रात के अंधेरे में घर की दीवार तोड़ते दबंगों का वीडियो वायरल। कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग। बहराइच। रात के अंधेरे में दबंगों ने नवनिर्मित दीवार को तोड़ दिया। दीवार तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया है। जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम परसा गांव में आपसी विवाद में घर के सहन दरवाजे पर पशु सेट के लिए बनाई जा रही दीवार को दबंगों ने अपने छत पर चकल लोहे की रोड से ढा दिया। दीवार ढहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं रात के अंधेरे में लोहे की रोड से नव निर्मित दीवार तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। पीड़ित पंकज का आरोप है कि रात के करीब 12:30 दबंगों ने अपने छत से लोहे की रोड से दीवार तोड़ दिया। मना करने पर ईंट पत्थर से उसके घर पर हमला बोल दिया। घटना के एक सप्ताह बाद भी पुलिस घर की दीवार गिराने वालों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में जरवल चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पानी निकालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद है। दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया है, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जनरथ एक्सप्रेस। पंकज कुमार नाम है, परसा, राकेश कुमार, मैं पंकज परसा का रहने वाला हूँ। मेरी दीवार 12 फीट पूर हो जाने के बाद विपक्षी वालों ने रात के अंधेरे में गिराई है। इसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। जिस वीडियो दीवार गिराते समय का वीडियो भी हम बना लिए हैं और तहरीर हम पुलिस चौकी जरवल पे 2 बार दे चुके हैं, थाने पे भी दे चुके हैं, कप्तान मैडम को भी दिए हैं, लेकिन हमें कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही, मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है हमारा। दीवार गिराने में लक्ष्मी देवी पत्नी अवधेश कुमार थी और मंजू देवी पत्नी कान्हा थी और अमित कुमार सनफ, कमलेश कुमार, कमलेश कुमार सनफ, हरपाल, 4-5 लोगों ने मिलकर के रात के 12:30 दीवार हमारी गिराई है। जो उसमें उसके बगल में पुराना टीन सेट भी बना हुआ था, कम से कम 30-35 साल पुराना, उसको भी तोड़ क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। और कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं, इनके खिलाफ नहीं हो रही है, ना कोई मुकदमा लिखा जा रहा है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।